एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। पिछले सेशन में हम पढ़े थे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ये तीनों ही मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियोज़ को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वह कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि मेटल्स हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, मेलिबिलिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स शो करते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं। तो ये मेटलॉइड्स क्या हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना तो प्रॉपर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और ना ही प्रॉपरली नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो ये क्या हैं? ये बीच में रह जाते हैं। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मेटल्स की शो कर रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नॉन मेटल्स की शो कर रहे हैं। तो इसको हमने अलग ही कैटेगरी में रख दिया, यानी कि मेटलॉइड्स। तो जब हम मेटल्स पढ़े थे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है उसमें टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं। कितने हैं? 7 मेटलॉइड्स हैं। 93 मेटल्स हैं एंड लगभग 18 उसमें नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो जो पीरियडिक टेबल है उसके लेफ्ट टू सेंटर क्या है? लेफ्ट से लेके सेंटर तक क्या है बच्चे? मेटल्स हैं। इधर क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। पीरियडिक टेबल के राइट में क्या है? राइट में है हमारे नॉन मेटल्स। राइट में हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये जो बीच में जिगजैग स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है? ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर है ये है हमारे मेटलॉइड्स, जैसे कि बोन, सिल्कन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एल्यूरियम, पोलोनियम। ये सब क्या है? ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो बीच में है मेटलॉइड्स, लेफ्ट टू सेंटर है मेटल्स और राइट में होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चे। मेटलॉइड्स ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ना तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को ही प्रॉपरली शो करते हैं और ना ही नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को ही शो करते हैं। तो इसको हम सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। आर केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके इंटरमीडिएट ये रहते हैं। यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच की प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं। दे डोंट नीटली फिट इन टू इधर कैटेगरी, ना तो ये मेटल्स में ही फिट होते हैं और ना ही ये नॉन मेटल्स में फिट होते हैं, इसलिए हमने इनको अलग नाम दे दिया, दैट इज मेटलॉइड्स, मेकिंग देम अ यूनिक ग्रुप ऑन द पीरियडिक टेबल। जो पीरियडिक टेबल है उसमें एक अलग ही ग्रुप बना हुआ है, जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई है उसमें क्या है? सारे मेटलॉइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, बोरोन, पोलोनियम, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका अपीयरेंस कैसा होता है, यानी कि ये किस तरह के दिखते हैं। दे कैन बी शाइन और डल, ये शाइन भी हो सकते हैं यानी कि ये लस्ट्रस शो भी कर सकते हैं और ये डल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम आर शाइन, जो सिलिकन एंड जर्मेनियम है वो शाइन करते हैं, लेकिन बोरोन कैसा है? जो डल है, जो शाइन नहीं करता है। नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस किस में पाई जाती है? नॉन मेटल्स में पाई जाती है। मेटलॉइड्स आर ब्रिटल, मेटलॉइड्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, मीनिंग दे आर इजिली शैटर्ड और ब्रोकन, उनको हम इजिली ब्रोक कर सकते हैं। दिस डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम मेटल्स, जो कि उनको मेटल्स से अलग करता है। विच आर यूजली मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो बेटा ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं
उनसे तो ये बेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेटल्स के कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स से इनका कंपैरिजन करें तो नॉन मेटल्स के कंपेयर में ये अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दे आर सेमी कंडक्टर्स, मीनिंग दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल्स बट नॉट एज वेल एज मेटल्स। तो जो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उससे ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट, ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? ऑल मेटलॉइड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंटरमीडिएट होता है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का रहता है। हायर देन दोज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स से ज़्यादा रहता है, बट लोअर देन दोज ऑफ मेटल्स, लेकिन मेटल्स से कम रहता है। नेक्स्ट इज डेंसिटी, देयर डेंसिटी इज वेरी बट दे जनरली फॉल बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इनकी जो डेंसिटी होती है वह मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की रहती है, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी शो करते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स से तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी लेकिन मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कम रहेगी। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटलॉइड्स की। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नौकर के साथ।